सबसे पहले आपको मैट पर इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद अपनी लेग्स को आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से चेस्ट के पास लेकर जाना है। उसके बाद अपने टोज को आपने मैट पर टच करते हुए वापस से आपने अपनी लेग्स को बैक साइड लेकर जाना है। मेक श्योर कि आपका पूरा फीट मैट से टच नहीं होगा, सिर्फ आपके पंजे जो है वो मैट से टच होंगे, वापस से बैक साइड जाएंगे। ऐसा करने से आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। इसको आपने करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। Done. यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पर लेट जाइए। उसके बाद में आपने अपनी दोनों लेग्स को इस तरीके से अपसाइड रखना है और फिर आपने वन लेग को स्ट्रेट करते हुए उसी आर्म को आपने ओपन करना है, ठीक है। जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं वन बाय वन लेग को स्ट्रेट कर रही हूँ और अपनी हैंड की मूवमेंट भी कर रही हूँ। जब आप अपने हैंड की मूवमेंट करेंगे तो इससे आपका जो अपर बॉडी फैट है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा, आर्म स्टोन होगी, आपकी ब्रेस्ट लिफ्ट हो जाएगी और इससे आपका पेट तो बिल्कुल काया भी हो जाएगा। 15 टाइम्स और इसके करने हैं 4 सेट्स। तो स्टॉप नहीं होना, करते रहो, तभी आप बहुत सुंदर हो जाओगे। डन। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पर लेट जाइए इस तरीके से। उसके बाद में आपने अपनी दोनों लेग्स को अपसाइड उठाना है, देन आपने डाउनसाइड लेते जाते हुए बार बार अपसाइड डाउनसाइड इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। 15 टाइम्स आप रिपीट करिए और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पर लेट जाइए और अपनी दोनों लेग को स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद में आपने वन लेग से सर्कल रोटेट करना है, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको सो करना है 15 टाइम्स वन साइड और इसके करने हैं 4 सेट्स। सेम आपको करना है अदर साइड पर, बट मैं आपको वन साइड करके दिखा रही हूँ। डन। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए। लेग्स को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करके होल्ड करना है 10 सेकंड्स, देन रिलैक्स हो जाइए। अगेन आपको इसको होल्ड करना है, देन फिर रिलैक्स होना है। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से मैट पर बैठ जाइए, अपने दोनों हैंड्स को अपने नेक के पीछे लॉक करिए और अपनी ऑपोजिट साइड आपने अपने राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करना है और लेफ्ट एल्बो से आपने राइट नी को टच करना है। ऐसा करने से आपके लोअर टमी पे इसका बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट जाएगा और वहाँ का फैट रिड्यूस होगा और आपकी मसल टोन होना स्टार्ट हो जाएंगी। 15 टाइम्स आप इसको करें और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से पीठ के बल मैट पर ले जाइए। उसके बाद में आपने अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है, आपने ऑपोजिट साइड से यानी एल्बो से आपने राइट नी को टच करना है लेफ्ट एल्बो से, उसके बाद अपने हैंड से अपने टो को टच करना है सेम लेग पे। इस एक्सरसाइज में आप डबल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप अपने टोस को टच करते हैं, देन फिर अपने एल्बो से नी को टच करते हैं। तो जब आप इसको डबल तरीके से करेंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगी आपके लोअर और अपर बेली पर, और अगर प्रेगनेंसी के बाद आपका टमी बहुत ज्यादा सैग कर गया है तो उसको भी अपलिफ्ट करेगी। 15 के आपने करने हैं 4 सेट्स। डन, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।